म्यूजिक मजा आया। सो फाइनली आप लोगों के लिए न्यू एक भोजपुरी सॉन्ग पर न्यू डीजे व्हाट्सएप स्टेटस लेके आ चुका फ्रेंड्स, जो कि कुछ इस प्रकार होने वाला फ्रेंड्स। और अभी इस तरह का न्यू ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस है भोजपुरी सॉन्ग पर क्रिएट करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वो सब ए टू जेड समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। जो कि वीडियो प्रोसेस में सब बताऊंगा तो फ्रेंड्स वीडियो पर बने रहना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना फ्रेंड्स। तो चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते। इस तरह के स्टेटस बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको कुछ ना करना पड़ेगा, अपने मोबाइल में जो काइन मास्टर सॉफ्टवेयर है इसको डाउनलोड कर ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद उसका जो फेस आपके मोबाइल के होम स्क्रीन पर आपको कुछ इस प्रकार दिखेगा। दिखने के पास में क्या करना, सबसे पहले करेक्ट न्यू पे क्लिक करना, नया रिसर्च स्क्रीन सेलेक्ट करना, नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट पे क्लिक हो जाने के बाद में सेटिंग में जाना, कोई एडिटिंग में जाना, यहाँ से फिल स्क्रीन सेलेक्ट करना और जो फोटो का डिस्टेंस फॉलो कर रख देना 0.8 मतलब कि 1 सेकेंड और 8 पॉइंट पर यहाँ से कट लगा देना। कट लगा देने के बाद में क्या करना, अपना गैलरी से को फोटो सेलेक्ट करना। जैसे कि अपना गैलरी से फोटो सेलेक्ट करना तो कितना फोटो सेलेक्ट करना, सबसे पहले को 5 मॉडल्स फोटो सेलेक्ट करना। जैसे कि मैं 5 मॉडल्स फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, कट लगा देना। फर्स्ट तरफ आ जाना फ्रेंड्स, लेयर पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद जो सॉन्ग है वीडियो, उस वीडियो को मैं सबसे पहले सेलेक्ट कर उसको नीचे ना मिलेगा डायरेक्टली ऑडियो का ऑप्शन पर क्लिक करके साउंड बाहर निकालना, वीडियो यहाँ से डिलीट कर देना और जो भी फोटो सेलेक्ट किया थोड़ा बहुत इस तरह से जूम कर लेना। इतना जूम हो जाने के बाद में फर्स्ट फोटो पर क्लिक करना, इसका जो डिस्टेंस को रख देना है 1-2 सेकंड पे। जैसे कि मैं 2 पॉइंट पर इंक्रीज कर देता हूँ, 2 सेकंड पर रख लेना फ्रेंड्स, यहाँ से डन कर देना। उसके बाद लास्ट तरफ आ जाना, लास्ट तरफ आ जाना जो 4 नंबर पर फोटो आ रहा है फोटो पर क्लिक करना, इसमें भी 1 पॉइंट कम कर देना, इसका डिस्टेंस रख देना 1 सेकंड, 7 पॉइंट पर डन करना। तो यहाँ तक तो फोटो एडजस्टमेंट हो चुका है, फिर से सेटिंग में जाना होगा, एडिटिंग में जाना, इसका डिस्टेंस फॉलो करके रख देना फोटो का जो डिस्टेंस 2 पॉइंट पे और यहाँ से कट लगा देना। कट लगा देने के बाद फिर मीडिया पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करने के बाद में फिर से अपना गैलरी से को फोटो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं फिर से अपना गैलरी ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से फिर 12 मॉडल्स फोटो सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं अपना गैलरी से फटाफट से 12 मॉडल्स फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ तक 12 मॉडल्स फोटो सेलेक्ट हो जाने के बाद में क्या करना है, यहाँ से कट लगा देना। कट लगा देने के बाद में थोड़ा जूम कर लेना, आपको फोटो एडजस्ट करने में आसानी होगा। तो कैसे एडजस्ट करना फ्रेंड्स, जो भी 12 मॉडल्स फोटो सेलेक्ट किए थे तब वो क्या करना, जो फर्स्ट फोटो पे इसका जो ड्यूरेशन है इंक्रीज कर देना है। तो इसका डिस्टेंस कहाँ तक रखना फ्रेंड्स देख लीजिए। तो चलो मैं दिखा दूँ, थोड़ा मैं नॉर्मल साइज में ले आता हूँ और जो फर्स्ट फोटो लिए थे इसका डिस्टेंस इंक्रीज करना, इसका जो डिस्टेंस पर रख देना आपको 9 पॉइंट पर लगभग। जैसे कि मैं 9 पॉइंट पर रख देता हूँ यहाँ पर, डन करना। उसके बाद जो फोटो का फोटोग्राफ 2 पॉइंट पर रहने देना। उसके बाद जो फोटो का क्लिक करना है इसका जो डिस्टेंस को रख देना है, कहाँ तक रखना तो देख लीजिए फ्रेंड्स। इसका डिस्टेंस रख देना 0.5 पे, 0.5 पे नहीं रखना, फिर उसका डिस्टेंस रख देना 4 पॉइंट में। जैसे कि मैं रख देता हूँ 4 पॉइंट पर, उसका डन करना है। डन हो जाने के बाद फिर क्या करना, उसके बाद जो फोटो है क्लिक करना, इसका डिस्टेंस रख देना आपको 0 पॉइंट, इसका भी रखना देना फ्रेंड्स 2 पॉइंट पर रहने देना, इसको कुछ नहीं करना, डन करना। उसके बाद जो फोटो है फ्रेंड्स क्लिक करना, इसका डिस्टेंस रख देना आपको 3 पॉइंट पे, 0.3 पर रख देना आपको यहाँ से और डन करना। उसके बाद जो फोटो है फ्रेंड्स क्लिक करना, इसका डिस्टेंस इंक्रीज कर लेना, इसका डिस्टेंस रखना आपको 1 सेकेंड और 5 पॉइंट पे। जैसे कि मैं 1 सेकेंड और 5 पॉइंट पर रख लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ से डन कर देना। उसके बाद फ्रेंड्स उसके बाद जो फोटो है क्लिक करना, इसका डिस्टेंस को रख देना 4 पॉइंट पे। जैसे कि मैं 4 पॉइंट पर रख लेता हूँ यहाँ पे, डन करना फ्रेंड्स। फिर से फोटो पे क्लिक करना है, इसका भी डिस्टेंस को रख देना 4 पॉइंट पर, डन करना। उसके बाद जो फोटो का क्लिक करना, इसका भी डिस्टेंस रख देना है 4 पॉइंट पे। 3 फोटो 4 पॉइंट पर रख देने के बाद उसके बाद एक फोटो का डिस्टेंस 0 पॉइंट पे कर देना, तब बस इधर का फोटो एडजस्टमेंट हो चुका है। उसके बाद फिर से सेटिंग में जाना, एडिटिंग में जाना है, यहाँ से इसका डिस्टेंस फॉलो कर रख देना 0.4 पे, यहाँ से कट लगा देना। मीडिया पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करने के बाद में फिर से अपना गैलरी का फोटो सेलेक्ट करना। तो कितना फोटो सेलेक्ट करना फ्रेंड्स, इस बार जो आपको 23 मॉडल्स फोटो सेलेक्ट करना। जैसे कि मैं यहाँ से अपना गैलरी से 23 मॉडल्स फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, अभी 23 मॉडल्स फोटो सेलेक्ट कर लेना। 23 मॉडल्स फोटो सेलेक्ट हो जाने के बाद में को कैसे एडजस्ट करना, काफ़ी सिंपल है, फटाफट से एडजस्ट कर सकते हैं। इतना सेलेक्ट हो जाने के बाद में कट लगा देना, कट लगा देने के बाद में कुछ इस तरह से यहाँ तक आ जाना है जहाँ तक फोटो एडजस्टमेंट किए थे। तो मैं चलो आ जाता हूँ, यहाँ तक मेरा फोटो एडजस्टमेंट हो चुका है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या करना, जब 23 फोटो सेलेक्ट किए तो फोटो पे क्लिक करना, इसमें 50 पॉइंट इंक्रीज कर देना। यहाँ से जितना फोटो समय 50 पॉइंट इंक्रीज कर लेना, फिर किसी में ज़्यादा रहे तो उसको कम कर देना है, नहीं तो 50 पॉइंट करके फोटो में इंक्रीज कर लेना। जैसे कि मैं 50 पॉइंट करके फोटो में इंक्रीज कर लेता, फिर अभी इसी तरह से फोटो में 50 पॉइंट
इंकरेज करना, जो लास्ट का फोटो आएगा फ्रेंड्स वो ज़्यादा इंकरेज होगा, यहाँ तक इंकरेज करना फ्रेंड्स। उसके बाद जो फिर से फोटो पे क्लिक, इसको भी 50 पॉइंट इंक्रेज करना, समझ आ चुका फोटो किस तरह से एडजस्ट करना फ्रेंड्स। 50 पॉइंट इंक्रेज करना, किसी फोटो में 50 पॉइंट से कम भी इंक्रेज आप कर सकते हैं। और जो लास्ट का फोटो रहेगा फ्रेंड्स उसको कुछ ज़्यादा इंक्रेज करना पड़ेगा। चलो फ्रेंड्स मैं फटाफट से फोटो को इंक्रेज कर लेता हूँ। जो का लास्ट का फोटो रहेगा फ्रेंड्स उसका जो ड्यूरेशन को 8-8.5 पॉइंट के आसपास रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वो फर्स्ट दरवाज आना, फर्स्ट दरवाज आने के बाद थोड़ा नॉर्मल साइज में लेना फ्रेंड्स। जो फर्स्ट फोटो उस पर क्लिक करना, क्लिप ग्राफ्सी में जाना, उसको अगर नीचे आना फ्रेंड्स, नीचे आने के बाद को मिलेगा यहाँ पे स्वीट लाइट का ऑप्शन में क्लिक करना। क्लिक करने के बाद जो 5 नंबर इफेक्ट ऐड करना, फर्स्ट फोटो में डन करना। उसके बाद जो फोटो रहेगा क्लिक करना, क्लिप ग्राफ्सी में जाना, उसको अगर नीचे आना, नीचे आने के बाद फिर जाना कॉल में डीजे में, और जो सेकंड नंबर इफेक्ट इसको ऐड करना। जो कॉल में डीजे का सेकंड नंबर इफेक्ट है फ्रेंड्स, यहाँ से कुछ 4 मॉडल्स फोटो में ऐड करना कुछ तरह, यहाँ तक ऐड हो जाने के बाद में क्या करना, फोटो को थोड़ा को जूम कर लेना। उसके बाद जो 2 पॉइंट पे फोटो सेलेक्ट किए थे, 12 फोटो एडजस्ट किए, तो क्या करना है उसका जो फर्स्ट नंबर फोटो है उसको सबसे पहले 3 भागों में डिवाइड कर लेना। मैं जहाँ जहाँ पर कट लगा रहा हूँ इसी तरह से कट लगा लेना, यहाँ तक इस तरह से 2 भागों का जो ड्यूरेशन ज़्यादा रखना अपना, लास्ट का भाग का ड्यूरेशन कम। तो उसमें किस तरह से इफेक्ट ऐड करना, जो फर्स्ट डिवाइड किए थे उस पर क्लिक करना, क्लिक ग्राफ्सी में जाना, उसको अगर नीचे आना, नीचे आने के बाद उसमें ओल्ड फिंग का ऑप्शन पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद उसमें जो फर्स्ट नंबर इफेक्ट इसको जो 3 भागों में ऐड कर देना, जैसे मैं 3 भागों डिवाइड किया तो यहाँ तक ऐड करना। उसके बाद जो फोटो का क्लिक करना, क्लिक ग्राफ्सी में जाना, उसको अगर नीचे आना, उसको जाना इन एनिमेशन में, और जो 5 नंबर ऐड करना, डन करना। सेकंड भाग पे जो सेकंड फोटो उस पर क्लिक करना, क्लिक ग्राफ्सी में जाना, उसको नीचे आना, फिर इसमें 6 नंबर ऐड कर देना और डन करना। उसके बाद जो फोटो पे क्लिक करना, क्लिप ग्राफ्सी में जाना, उसके कैम मोशन पे जाना, शेक वाला इफेक्ट यहाँ ये ऐड है कर देना। उसके बाद जो फोटो है क्लिक करना, क्लिप ग्राफ्सी में जाना, उसको अगर नीचे आना, फिर नीचे आने के बाद को फिर से जाना स्वीट लाइस पे, और सबसे नीचे आना, 17 नंबर इफेक्ट इसको ऐड करना। उसके बाद जो फोटो जस्ट पे क्लिक करना, क्लिप ग्राफ्सी में जाना आपको, और इसको अगर नीचे आना, फिर नीचे आने के बाद जाना फिर से कॉल में डीजे में, सेकंड नंबर ऐड कर देना, डन करना। यहाँ तक ऐड हो जाने के बाद में उसके बाद जो फोटो है उस पर क्लिक करना, को क्लिक ग्राफ्सी में जाना, उसको अगर नीचे आना, फिर नीचे आने के बाद ये जो लिखा है ये मॉडर्न बिटसेंस का जो इफेक्ट है इस पर क्लिक करना। जो सेकंड नंबर इफेक्ट ऐड किया, जो सेकंड नंबर इफेक्ट फ्रेंड्स यहाँ से 3 मॉडल्स फोटो में ऐड कर लेना, यहाँ तक जो 4-4 पॉइंट पर रखे थे। उसके बाद जो फोटो फ्रेंड्स क्लिक करना, क्लिप ग्राफ्सी में जाना, उसको अगर नीचे नफ जाना इन एनिमेशन में, और इसमें जो 5 नंबर ऐड करना है। उसके बाद जो फोटो उस पर क्लिक करना, क्लिप ग्राफ्सी में जाना, इसमें फिर से आपको जो 6 नंबर ऐड करना। तो इसी तरफ से तीनों फोटो में ऐड करना है, इसमें भी जो 5 नंबर ऐड कर देना। और उसके बाद जो फोटो भी लिए थे फ्रेंड्स उसमें क्या करना, तो देख लीजिए जिसका डिसन 4-4.5 पॉइंट के आसपास रखे थे उस फोटो पे क्लिक करना आपको, क्लिक ग्राफ्सी में जाना। जिस फर्स्ट जो फोटो 4.5 पे रखे थे, क्लिप ग्राफ्सी में जाने के बाद से अगर नीचे आना, नीचे आने के बाद जाना आपको स्वीट लाइज पे, जो 5 नंबर इफेक्ट है इसको ऐड कर देना और डन करना। उसके बाद जो फोटो जस्ट उसी पे क्लिक करना, क्लिप ग्राफ्सी में जाना, उसको अगर नीचे आना, नीचे आने के बाद फिर जाना कॉल में डीजे में, और ये जो यहाँ पे 4 नंबर इफेक्ट इसको ऐड करना, डन करना। तो इसी तरह से इफेक्ट ऐड करना फोटो में, इसी तरह से लास्ट के फोटो तक ऐड करना। मतलब फर्स्ट फोटो पे लगाना स्वीट लाइज का 5 नंबर इफेक्ट, और जो सेकंड फोटो पे लगाना कॉल में डीजे का 4 नंबर इफेक्ट, और लास्ट तक ऐड कर लेने के बाद फिर यहाँ तक ऐड हो जाने के बाद जो 23 नंबर पे जो फोटो पर इसमें कुछ अलग से इफेक्ट है, उस फोटो पे क्लिक करना, को क्लिक ग्राफ्सी में जाना, उसको कैम मोशन में जैसे को लाइव इफेक्ट इसको ऐड करना। तो बस मेरा जो स्टेटस काफ़ी अमेजिंग बन के दिखेगा फ्रेंड्स, जैसे तक प्रीव्यू पर देखा, और यहाँ जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ से वीडियो जितना एक्सट्रीम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू।